पूरे हरियाणा से 1093 लोगों की भर्ती की गई। जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे ही उनकी जॉब से उन्हें हाथ धो। हमारा संघर्ष जारी रहेगा मैडम, जब तक सरकार हमें नौकरी पर वापस बहाल नहीं कर देगी। लोगों ने कहा था कि दोबारा से आप लोगों की हायरिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं चीज के आसार नजर आए थे। उनकी जान बचाने का एक जुनून था हमारे अंदर, हमें अपने आप का अपना परिवार नहीं दिख रहा था उस टाइम, सिर्फ ये दिख रही थी देशभक्ति। मैडम जब तक हमें दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं रूम लेके 9 बजे आते थे, रात को 2-2 बजे तक हमने ड्यूटियां की हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। 2020 में कोविड आया था और कोविड ने सभी की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी थी। इस तरह से अस्त व्यस्त की थी कि हमारा घर से बाहर निकलना तो क्या, परिजनों पर से विश्वास उठ गया था कि कभी किसी को कोविड हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार उस कोविड से ग्रसित हो जाएगा। और इसी बीच अगर सरकार की बात करें तो सरकार को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। इसी बीच सरकार ने यह भी एक तरीका अपनाना था कि लोगों को अगर टेस्ट करवाने हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो लोग हैं उनको आउटसोर्सिंग के ऊपर उनकी भर्ती की जाएगी। 2020 के अंदर पूरे हरियाणा से 1093 लोगों की भर्ती की गई, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज उन कोविड योद्धाओं की स्थिति कुछ इस तरह से हो गई है कि वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको एकदम से ही हटा दिया गया। जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे ही उनकी जॉब से उन्हें हाथ धोना पड़ा। आज इन लोगों को 57 दिन हो चुके हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, ये न जाने किस तरह के पैंतरे अपना चुके हैं ताकि सरकार को ये जगा सके, लेकिन आज तक भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। डेली कोई ना कोई 4 लोग इनके अनशन पर बैठते हैं और आज भी ये लोग जो है 57 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे हरियाणा से 1047 लोग हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज भी सरकार के जो है कान नहीं खुले हैं आपकी मांगों को लेकर? हमारा संघर्ष जारी रहेगा मैडम, जब तक सरकार हमें नौकरी पर वापस बहाल नहीं कर देगी जी। और हम ऐसे ही अड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। पूरे हरियाणा में हमारा संघर्ष चल रहा है, धरने चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मैडम किस तरह की अभी तक आप रणनीति अपना चुके हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए? हमारी कुछ स्टेट हैं जो साथी हैं, इकट्ठे होकर पंचकूला भी गए हुए हैं, जो MD NHM के ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। तो यही हम स्टेट हेडक्वार्टर पे जाके हमारा प्रदर्शन करने की हमारी जोरदार पहल रही है हमारी। जैसे आपने ताली थाली भी बजाई थी, आपने हवन भी करवाया था सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए, कितना असर पड़ा उस चीज़ का? देखो वो तो सरकार को ही पता होएगा, आपके माध्यम से सरकार को, ऐसा नहीं है कि सारी बातें पहुंचती हैं सरकार तक, CID के माध्यम से भी। तो असर कितना पड़ा, असर तो हमें उस दिन दिखेगा जिस दिन हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी, उससे पहले हम नहीं पता लगा सकते कि कितना असर पड़ा है। लेकिन हमारी फाइल पॉजिटिव वे में ही चल रही है, ये कंफर्मेशन है हमारे पास। बीच में मैडम स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बयान आया था, आप लोगों ने कहा था कि दोबारा से आप लोगों की हायरिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं चीज़ के आसार नज़र आए थे। अब क्या कहना चाहेंगे, अब कोई आसार नज़र आ रहे हैं सरकार की तरफ से, कोई आपके पास आ रहा है जवाब? नहीं, हमारे जो साथी पंचकुला गए हुए हैं और जो हमारा संघ है उनका यही कहना है कि वो ACS हेल्थ से हमारी फाइल ट्रांसफ़र होके ACS FD के पास जा चुकी है, वहाँ से अप्रूवल मिलते ही फिर हमारा आगे कार्रवाई में है, मतलब सारा कार्य पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन टाइम कितना लग सकता है वो पेपर वर्क है, वो उस पर डिपेंड करता है। कोविड के टाइम की अगर बात करूँ तो आप लोगों ने किस तरह से मदद करी थी लोगों की मैम? हमने मदद इस तरह से करी थी कि जो एक फैमिली में भी मेंबर एक दूसरे को उससे दूर हो रहे थे उस टाइम, अगर किसी की मौत हो जाती थी तो फैमिलियर लोग थे वो उसको दाह संस्कार तक नहीं करवाते थे, तो वो हमारे साथियों द्वारा हम द्वारा किया गया था। जबकि ये अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये कभी वो 10 फुट दूर लिख के उसकी MLR काटते थे, उसका वो पर्चा भरते थे। तो ये बेस ग्राउंड के लोग हैं, ये इनके द्वारा की गई थी ये सारा काम, फर्स्ट हैंड किए गए थे पेशेंट जब कोविड से आ जाता था। हमारी स्टाफ नर्स की बहनें हैं, हमारे LT भाई हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए और मरीजों को इस लेवल पर कि उनकी जान बचाने का एक जुनून था हमारे अंदर, हमें अपने आप का अपना परिवार नहीं दिख रहा था उस टाइम, सिर्फ ये दिख रही थी देशभक्ति, उसी जुनून से हमने काम किया था। स्थिति किस तरह की होती थी मैडम, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप दिन में तो दाह संस्कार कर रहे हो और शाम को फिर आप घर जाते थे, किस तरह की स्थिति होती थी उस वक्त आप लोग? उस टाइम है ना, घर वाले भी हमसे दूर होके हटने लग गए थे, हमारे कुछ साथी तो ऐसे भी थे जो रूम लेके उनको बाहर रहना भी पड़ा था काफी दिन तक, क्योंकि घर में बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उसको रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। वो ये था कि एक तरह से वो अलग ही रह गए थे, घर वालों ने भी उनका रूम सेपरेट कर दिया था रहने की जगह, उनको भी इसी तरह डील किया जाता था जैसे वो खुद पॉजिटिव हो, क्योंकि उनको ये बोला जाता था कि आप डायरेक्ट उनके संपर्क से आ रहे हो, तो फैमिली भी उनसे थोड़ा हट गई थी। वो सिचुएशन में हमने काम किया है, हमने अपना जज्बा कम नहीं किया, हमारा जुनून कम नहीं किया, तो वो सरकार को शायद हमारी नेताओं का भी आप घर जाकर टेस्ट करके आते हुए ये देखो हमने वो किया हुआ है, हमारी
एस जो डीसी महोदया है, कैबिनेट मंत्री हैं, कॉल आते थे उनको सुबह में, कॉल हमारे जो एलटी भाई हैं वो घर जाके उनके सैंपल लेके आते थे, बिल्कुल किया है। उनको इतना डर लगता था कि वो यहाँ आ जाएंगे तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा, उनको जो वो प्रायोरिटी दी है तो वो अब कोरोना योद्धाओं को सरकार क्यों भूल गई है, वो लोग क्यों भूल गए इनको, इनको दरी पे क्यों बिठा दिया गया है, ये हमारे सरकार से और इन अधिकारियों से हमेशा सवाल थे और रहेंगे, क्योंकि आप कैसे भूल सकते हो। दरी की पावर पर कितना विश्वास आप लोगों को कि आपको न्याय मिलके रहेगा? 101% है मैम, बिल्कुल मिलके रहेगा। कितने दिनों तक सर ये जो आपका प्रदर्शन जारी रहेगा, कब तक आप चाह रहे हो कि ये प्रदर्शन हमारा जारी रहे? मैडम जब तक हमें दोबारा ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस चैनल के माध्यम से? सर सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे, जैसे जिस टाइम महामारी में कोई एक दूसरे को घर पे भी और बाहर भी कोई एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाता था, उस टाइम पे हमने काम किया है। 8 घंटे की एक कर्मचारी की ड्यूटी होती है, उसकी उसको भी हमने नहीं माना, लेकिन 16-16 घंटे 20-20 घंटे 3-3 महीने हम घर नहीं गए, यहाँ यहीं कहीं रूम लेके 9 बजे आते थे, रात को 2-2 बजे तक हमने ड्यूटियाँ की हैं। यहाँ पे एक VIP सैंपल आ जाता था, उसको लेके हमने दोबारा सैंपल लगाने पड़ते थे, जो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च असिस्टेंट हैं, मॉलिक्यूलर लैब के स्टाफ हैं, उन्हें देर देर रात तक एक एक सैंपल के लिए काम किया है। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था सर कोविड के टाइम के अंदर, और क्या कंडीशन होती थी, क्या सिचुएशन होती थी आप लोगों? सिचुएशन तो मैडम मेंटली भी प्रेशर बना ही रहता था भाई, जैसे सुबह आते थे हम 9 बजे हमारा ड्यूटी टाइम था, लेकिन पहले भी पहुंच जाते थे, क्योंकि काफ़ी उस टाइम महामारी इतनी फैली हुई थी, लोग त्राही मची हुई थी एक तरह से, हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं थी, रिपोर्टिंग भी करनी होती थी, जैसे मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ मैं, तो रिपोर्टिंग वगैरह टाइम से ऊपर से अधिकारी भी मांगते थे भाई क्या स्टेटस है, सारी रिपोर्टिंग वगैरह, और रात को देर तक हमने 2 बजे तक भी मैं लास्ट यहाँ से गया हूँ, मेरी GGU में ड्यूटी होती थी, तो इतना काम किया है। कितने सैंपल आते थे सर एक दिन के अंदर आप लोगों के पास? सैंपलिंग मैडम 5-6 हज़ार के करीब सैंपलिंग पर डे होती थी, और 1000 भी केस आए हैं, करीबन 1300 पीक था जब सेकंड वेव में, 1300 के करीब पॉजिटिव केसेस भी आए हैं, उनकी हमने ट्रेसिंग भी की है। सोर्सिंग पे जब आप लोगों को लगाया गया था तो कोई ठेकेदार भी होते बीच में लगवाने वाले, उनसे आपने बात करी, उनका क्या कहना है? ठेकेदार तो मैडम सरकार ने ठेकेदार प्रथा ही खत्म कर दी, सरकार कह रही है हमने वो नया कौशल रोजगार निगम बनाया है, तो उसमें तो सरकार ने ठेकेदारी प्रथा ही खत्म कर दी, तो उसमें तो ठेकेदार का कोई रोल ही नहीं रहा अब। आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहेगी सर आप लोगों की? मैम हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम हमारे संघ के दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे, हमें जो भी करना पड़ा हम वो करेंगे। ठीक है सर, तो देखिए जो ये लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हिसार से लगभग 100 के करीब लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर मैं इनकी स्थिति की बात करूँ तो कोविड के टाइम में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जो है हमारे परिजनों की, हमारे आसपास के लोगों की मदद की, कोविड के टेस्ट किए, नेताओं के घर पर जाकर उनकी सेवा की, उन लोगों का कोविड टेस्ट किया, लेकिन आज के टाइम में अगर इनकी स्थिति की बात करें तो आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 57 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी हरियाणा सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। मेरी भी संसार क्रांति के माध्यम से सरकार से यही अपील रहेगी कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, और इन लोगों को अगर दोबारा से हार किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी के पेट के ऊपर लात मारना अच्छी बात नहीं होती, तो निष्पक्ष तौर से इसके ऊपर जांच करनी चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द अगर हो सके तो इन लोगों को हायर करना चाहिए इनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। संसार क्रांति पर बने रहिए आप, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत, नमस्कार।